गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है सॉल्यूशंस के लिए। तो आज जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होती है और इसका यूज क्या है, वो मेरे लिए या आपके लिए मेन मोटिव है। ओके, सो आइडियल सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनको मैं बोलता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी किसी चीज के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनकी वेरिएशन जो होती है वो होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सोलवेंट। मीन्स एक तरह से कह सकता हूं कि कंसेंट्रेशन पे, कि कंसेंट्रेशन की कोई भी टर्म हो सकती है, वो चाहे वो मोलैरिटी हो, मोलैलिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, इनमें से कोई भी एक होगा। ओके, और ये डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर। दोज आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बात यह आती है कि सिलेबस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास। एक पहले हमने पढ़ी है, वो कौन सी है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक इसको पढ़ चुके हैं। इसके साथ में जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ जो हमारे पास है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो हमें डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो बात ये आती है कि इन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन इनका हमें फायदा क्या है। ओके, तो इनका फायदा हम डिटरमिन बाद में करेंगे, पर पहले बता देता हूं, ठीक है, कि इनका फायदा ये है कि हम किसी अननोन सोल्यूट का मोलर मास हम इन प्रॉपर्टीज से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो रिलेटिंग लोवरिंग वेपर प्रेशर हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो। ओके, इनसे हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, इसके लिए बात कर लेता हूं मैं कि इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ पार्ट इसका हम पहले कर भी चुके हैं, मैं उसी रिलेशन को डायरेक्टली यूज करने वाला हूं। ओके, कल के लेक्चर का ही रेफरेंस ले लेते हैं कि मैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये वैल्यू मैंने डिटरमिन की थी, मींस ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू, और वहां बात भी हुई थी कि दिस इज फॉर सोल्यूशन प्रेशर और ये हमारे पास है प्योर स्टेट के अंदर प्रेशर, और प्योर स्टेट के प्रेशर मींस मैक्सिमम जो होता है उसमें से हमने ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस किया जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है, और ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या हुआ, कुछ वेपर प्रेशर लोअर हुआ। अब लोअर हुआ कितना, लोअर हुआ वो हुआ प्योर में से हमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस कर दिया। ओके, और उसको किसके कंपैरिजन में, किसके रिलेटिव में मैंने रखा, मैंने रखा उसको किसके रिलेटिव में, प्योर सोलवेंट के रिलेशन में रखा, रिलेटिव में रखा। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये मेरे पास है NB ओवर NA प्लस NB मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, तो मैं इस को यूज करने वाला हूं अब किस चीज के लिए, अब मोलर मास कैसे कैलकुलेट करूंगा उस चीज के लिए। ओके, इस इक्वेशन को देखने के बाद थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। मेरे को पता है नंबर ऑफ मोल्स
क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। ओके, तो एन बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू बी ओवर मोलर मास, ये हो गया मेरे पास। एन ए की अगर बात करूंगा मैं तो एन ए इक्वल टू डब्ल्यू ए गिवन मास ओवर मोलर मास हो जाएगा मेरे पास। अब इनकी वैल्यू एन बी और एन ए की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं मैं, और यहां पुट करने के बाद मेरे को क्या मिलने वाला है वो देख लेते हैं। पी नोट ए माइनस पी एस ओवर पी नोट ए एज इट इज आ जाएगा इधर ये। तो उसके बाद यहां एन बी की जगह रखूंगा डब्ल्यू बी ओवर एम बी, नीचे उसके बाद आएगा मेरे पास एन ए की जगह डब्ल्यू ए ओवर एम ए प्लस डब्ल्यू बी ओवर एम बी रख देता हूं मैं। ओके, इतना हो जाएगा मेरे पास। पर जो सॉल्यूशन है जिसके लिए मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मास की वैल्यू डिटरमिन करना चाहता हूं, वो सॉल्यूशन तो काफी डाइल्यूट होगा, काफी डाइल्यूट है। इट मींस क्या होगा कि मेरे सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल हो जाएगा। इट मींस इसको मैं इसके कंपैरेटिवली नेग्लेक्ट कर सकता हूं, और नेग्लेक्ट कर सकता हूं इट मींस क्या मिलने वाला है मेरे को, पी नोट ए माइनस पी एस ओवर पी नोट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर एम बी ओवर डब्ल्यू ए ओवर एम ए, ये मिलने वाला मेरे को। ओके, तो इसके बाद इसको रीअरेंज कर लेता हूं मैं। रीअरेंज कैसे होगा कि मेरे को चाहिए एम बी की वैल्यू, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एम बी को इधर ले आता हूं, इसी को मैं क्या करता हूं, एक और थोड़ा ओपन कर ले, डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, एम ए ओवर एम ए ओवर डब्ल्यू ए हो जाएगा मेरे पास। ओके, अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं। रीअरेंज कैसे करूंगा, एम बी को एक साइड पे लेके चला जाऊंगा और सारी टर्म दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो एम बी इक्वल टू मेरे पास यहां डब्ल्यू बी रह जाएगा इंटू एम ए रह जाएगा ओवर डब्ल्यू ए रह जाएगा मेरे पास इंटू, ये उल्टा हो जाएगा उधर जाके, P नोट A ओवर P नोट A माइनस पी एस हो जाएगा मेरे पास। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये मेरे पास, अब इसमें से अगर बात करता हूं मैं कि डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट जो मैं सोल्यूशन बनाने के लिए यूज किया वो मेरे को पता होगा, मोलर मास ऑफ सोलवेंट वो मेरे को पता होगा क्योंकि जो सोलवेंट मैं यूज कर रहा हूं उसका एटलीस्ट मोलर मास तो मेरे को पता होगा। ओके, वेट ऑफ सोलवेंट पता होगा मेरे को। ओके, जो सोलवेंट मैंने यूज किया उसका प्योर स्टेट में मेरे को वेपर प्रेशर पता होगा, ये पता होगा, और सॉल्यूशन बनने वाला है उसका वेपर प्रेशर हम मैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। इट मींस राइट हैंड साइड की सब टर्म्स मेरे को पता है तो मेरे को ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास। अब जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम एक फिनोमिना है ऑस्मोसिस, इसको समझना जरूरी है। ओके, और समझने के लिए मैं कुछ जनरल से एग्जांपल लेता हूं, उसमें आपको काफी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक एग्जांपल जो है हमें करवाया गया होगा, वो क्या करवाया गया होगा, एग्जाम हमने किया होगा, एक एक्टिविटी की होगी जिसमें हमने एक बीकर ले लिया होगा। ओके, और एक हमने लिया होगा पोटैटो, जो आलू जिसको बोलते हैं, ठीक है, और आपके टीचर ने भी करवाया होगा कि उससे उसको हमने
इस तरह काटना है कि जिससे उसके अंदर एक कटोरी जैसा गड्ढा बन जाए. ओके, तो इट मींस कुछ इस तरह का हमने आलू को काट लेना है कि वो एक बाउल बन जाए, एक कटोरी बन जाए. ओके, उसके बाद इसको मैंने डिप कर देना है किस चीज के अंदर, प्योर वाटर के अंदर. ओके, दिस इज वाटर. वाटर के अंदर मैंने ऐड कर दिया है और इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कोई भी सॉल्यूशन डाल दिया. कौन सा सॉल्यूशन, मींस 10% NaCl डाल दिया इसके अंदर. ओके, 10% NaCl डाल सकता हूं, जो है सुक्रोज डाल सकता हूं. ओके, तो ये तरह सॉल्यूशन में डाल देता हूं. ओके, तो इसके बाद क्या होता है कि मैं यहां एक पिन, ओल पिन लगा देता हूं. वो मार्क होगा किस चीज के लिए कि यहां तक मेरा सॉल्यूशन ऑलरेडी फिल्ड है, NaCl सॉल्यूशन. ओके, कुछ टाइम के लिए छोड़ देता हूं इसको. छोड़ने के बाद क्या होगा कि इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है. ओके, इसका लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है, इट मींस कोई ना कोई चीज इसके अंदर एंटर की होगी. और वो एंटर कहां से कर सकती है, वो यहीं से कर सकती है. ओके, इट मींस ये एक मेम्ब्रेन का काम कर रहा है. और मेम्ब्रेन भी कौन सी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, तीन तरह की मेम्ब्रेन होती है मेरे पास. फर्स्ट इज परमिएबल, वो मेम्ब्रेन जिसके अंदर से सब कुछ पास हो जाता है. ओके, सेकेंड इज नॉन परमिएबल. परमिएबल सब कुछ पास हो जाता है, नॉन परमिएबल में से कुछ भी पास नहीं होता. और थर्ड होता है बच्चे सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि वो कुछ सेलेक्टेड चीजों को पास होने देती है और कुछ को नहीं पास होने देती. मींस उसके पोर साइज से जो सोल्यूट ज्यादा होगा या जो पार्टिकल जिसका साइज ज्यादा होगा उसके पोर साइज से उसको पास नहीं होने देगी, कम वाले को पास होने देगी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेम परमिएबल मेम्ब्रेन. अब अगर इसकी बात करें, जो पोटैटो का एक वॉल कह सकता हूं मैं उसको, ओके, या एक लेयर कह सकता हूं उसको, मैंने कट किया, उसमें से यहां तक सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल पहुंच पाता है, इधर से NaCl इधर नहीं जाता. इट मींस NaCl को पास नहीं होने दे रही है, और NaCl को पास नहीं होने दे रही, वाटर को पास होने दे रही है. इट मींस दिस इज सेमी परमी, एक्टिंग एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, अब इसमें हो क्या रहा है, यहां जब सॉल्यूशन, यहां प्योर वाटर था, प्योर वाटर मींस लेस कंसंट्रेटेड, और यहां जो है दिस इज हाईली कंसंट्रेटेड. ठीक है, तो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और लो कंसंट्रेशन वाले को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इट मींस मेरा सॉल्वेंट कहां से कहां जा रहा है, हाइपो से हाइपरटोनिक की तरफ. ओके, इट मींस द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ओके, तो इसको ऑस्मोसिस बोलता हूं मैं. उसके बाद अब अगर कोई चीज यहां से यहां एंटर कर रही है, ओके, और सेकेंड थिंग ये लेवल है, तो यहां तक तो मैं बोल सकता हूं कि ये फ्लो के कारण एंटर कर गई, लेकिन इससे ऊपर भी उसका लेवल चला जाता है. इट मींस कोई ना कोई प्रेशर एक्ट कर रहा है. ओके, और वो प्रेशर किस चीज का है, वो हो सकता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का हो, जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ रहा है दोनों साइड पे सेमी मेम्ब्रेन के, हो सकता है उस कारण से हो. ओके, एंड द प्रेशर ड्यू टू विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं उसको.
इसे समझने के लिए एग्जांपल और ले लेते हैं जो कॉमन लाइफ से मिल सकता है आपको, कि हमने एक एग लिया, एग जानते हैं आप सब, ओके, उसके ऊपर एक खोल होता है जो कैल्शियम का बोलते हैं, व्हाइट, जो एग व्हाइट होता है उसको, उसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया इसके ऊपर से, और रिमूव करने के बाद उस एग को क्या किया हमने, रख दिया किसके अंदर, 10% NaCl के अंदर, इस एग को पहुंचा दिया यहां पे, ओके। तो कुछ टाइम के बाद आप क्या देखते हो, कुछ टाइम के बाद आप ये देखते हो कि ये एग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, मींस जो इसकी बाउंड्री यहां थी वो यहां तक पहुंच जाती है, ओके। और इसमें क्या हुआ कि बाहर जो सॉल्यूशन था वो हाइपरटोनिक था, अंदर हाइपोटोनिक था, तो यहां से यहां तक सॉल्वेंट निकल गया जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हुई, ओके। तो इसमें क्या हुआ कि इसके बाहर जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर की तरफ पुश कर रही है, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड एक्सोओस्मोसिस, ओके। इसके बाद क्या हुआ, इसी एग को ले लिया हमने, इसी एग को लिया, और अब इसको जो कॉन्ट्रैक्टेड एग है उसकी बात कर रहा हूं अब मैं, ओके। जो कॉन्ट्रैक्टेड एग है उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने रख दिया अब प्योर वाटर के अंदर, ओके। प्योर वाटर के अंदर रख दिया इसको मैंने अब। अब प्योर वाटर के रखने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद मैं देखता हूं कि ये एक्सपेंड हो रहा है, इट मींस यहां हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और यहां क्या है, हाइपर। तो सोलवेंट क्या हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपर की तरफ चला गया, और हाइपो से हाइपर की तरफ मूव किया, तो इट मींस इसने एक्सपेंड होना है इसका, बिल्कुल सही है, ओके। और इसमें क्या हो रहा है, सोलवेंट अंदर की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस, ओके। तो एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस वो यहां समझ सकते हो, ओके। या घरों में आपके किशमिश होती है, किशमिश से समझ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके जो मतलब कई बार चने की सब्जी बनती है या राजमा बनता है, तो उससे पहले क्या करते हैं आपके मम्मा, उसको चने को या राजमा को भिगो देते हैं, ओके। तो उस वो उसमें क्या होता है, सुबह तक शाम को आपने हाफ ऑफ द कंटेनर फिल किया था, ओके। सुबह तक वो पूरा का पूरा एक्सपेंड मिलता है और आपका पूरा आपको कंटेनर भरा हुआ मिलता है, इट मींस क्या, उसमें एंडोस्मोसिस हुआ है, सीधी बात है, ओके। तो उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है हमारे पास, डिफ्यूजन। जनरली इसको कंफ्यूज किया जाता है किससे, ऑस्मोसिस से, ओके। डिफ्यूजन अलग चीज है, ऑस्मोसिस अलग चीज है, ओके। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या है कि ऑस्मोसिस जो होता है, दैट इज ड्यू टू द सेमी इन फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो इसके थ्रू होता है, सिंपल मेम्ब्रेन के थ्रू, ओके। पर इसमें इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, ओके। ऑस्मोसिस जो होता है हमारे पास, अगर ऑस्मोसिस की बात मैं करता हूं, तो ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है, ओके। इसके अंदर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती, सोलवेंट भी डिफ्यूज करेगा भाई और सोल्यूट भी डिफ्यूज करेगा, ओके। यहां क्या होता है कि सोलवेंट जो सोलवेंट मॉलिक्यूल मूव कहां से कहां तक करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मींस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक, ओके। यहां क्या होता है, यहां हाई टू लो मूवमेंट होती है, ओके। एग्जांपल बात करते हैं, ऑस्मोसिस तो हमने समझ ही लिया है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन का, जनरल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं, एक कोने में परफ्यूम मैं स्प्रे कर देता हूं, ओके। कुछ टाइम वहां एक्सेस स्मेल होगी, रीजन क्या है, वहां पार्टिकल मैक्सिमम है, और कुछ टाइम छोड़ दोगे जब आप, तो क्या होगा कि वही परफ्यूम
उस कोने तक जो जहां हमने परफ्यूम स्प्रे किया है उससे ऑपोजिट कोने तक भी पहुंच जाएगा और कुछ टाइम के बाद सब नॉर्मल हो लगेगा आपको। मींस क्या है कि जो स्प्रे पार्टिकल्स है, जो स्प्रे किया परफ्यूम स्प्रे किया, परफ्यूम के पार्टिकल्स जो है, पहले क्या था जिस कोने में स्प्रे किया है वहां मैक्सिमम थे, अब क्या हुआ अलग स्पेस तक भी पहुंच के, मीन्स जिस कोने में लो कंसेंट्रेशन थी वहां भी वो स्प्रेड हो गए हैं। ओके, दिस इज बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। ओके, अगर ऑस्मोसिस की बात करता हूं, ये सिर्फ सॉल्यूशंस के ऊपर ही अप्लाई होता है। ओके, ये बेटा आपके पास सॉल्यूशन प्लस जो आपके गैसेस हैं सबके ऊपर अप्लाई होता है। ओके, इसको हम रोक नहीं सकते, कांट बी स्टॉप्ड, स्टॉप नहीं कर सकते आप। ओके, बट इसको आप स्टॉप कर सकते हो एंड इवन रिवर्स तक कर सकते हो इसको। डिफ्यूजन ये है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब इसके बाद हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी जो है वो होती है टू टाइप्स की। फर्स्ट नेचुरल एंड सेकेंड आर्टिफिशियल। नेचुरल आर्टिफिशियल का मीनिंग तो पता ही है आपको, नेचुरल का मतलब जो हमें नेचर डायरेक्ट मिलती है, आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं। ओके, तो जो मोस्ट कॉमन जो यूज होती है नेचुरल वो होती है पिग्स ब्लैडर, और आर्टिफिशियल जो होती है आर्टिफिशियल बनाई जाती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं पार्चमेंट पेपर सेलोफेन इस टाइप के सब्सटेंस लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उनको इम्प्रेगनेट करते हैं अलग अलग टाइप के सिलिकेट्स ऑफ आयरन कॉपर फेरोसाइनाइड के साथ में, जिससे उनको पोर साइज छोटा हो जाता है और वो सही रेंज तक पहुंच जाता है। ओके, सो ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम जो डायरेक्टली पहुंचेंगे वो किसके ऊपर, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने के जो वेज हैं वो काफी हैं, हम एक या दो इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। मेन बार्कले हार्टले एपरेटस है। ओके, उसको चेक करेंगे, मींस बेसिकली है समझना। ओके, सो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक छोटा डायग्राम लेके आ रहा हूं, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है। ओके, ये डायग्राम है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ओके, इसमें मैंने क्या किया, एक थिसल फनल ली है जिसके माउथ के ऊपर, ऊपर वाले माउथ के ऊपर जो वाइड माउथ होता है, ओके, उसके ऊपर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को टाई अप कर दिया है। ओके, और इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन डाला है मैंने, और बाहर की तरफ जो लिया है बीकर के अंदर वो लिया है डिस्टिल्ड वाटर। ओके, तो इसका फायदा क्या होगा हमें कि यहां हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड और यहां हमारे पास है हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में बंधी हुई है, इसे सेपरेट कर रहे हैं हम, तो यहां से अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद मैं छोड़ दूंगा इसको, छोड़ने के बाद क्या होने वाला मेरे पास कि सॉल्यूशन जो हाइपरटोनिक है, इसमें जो अंदर हाइपरटोनिक है, यहां बाहर से सॉल्वेंट पार्टिकल आए कहां से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, और ये लेवल जो है वो धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद अगर मैं देखता हूं तो क्या होगा कि यहां से मॉलिक्यूल एंटर होते, वाटर मॉलिक्यूल एंटर होते 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 एक लिमिट पे जाके ये रुक जाएगा, मैक्सिमम हाइट जितनी एक्वायर करनी है वो एक्वायर कर लेगा। ओके, तो एक तो मेथड है मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर पता करने का, ये है, बट इससे मेरे को क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स कम मिलते हैं, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं एक नया एक्सपेरिमेंट और करने की कोशिश करता हूं जिससे मैं क्वांटिटेटिव मींस जो जिस प्रेशर से सॉल्वेंट पार्टिकल्स लेस कंसंट्रेटेड से हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एंटर कर रहे हैं वो प्रेशर है कितना, अगर अंदाजा लग जाए तो बेनिफिशियल है मेरे लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होगी। अब मैं आ रहा हूं एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ, इसके अंदर अब मैं चेक करता हूं, देखिए कि ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ये मेरे पास सॉल्वेंट है। ओके, तो
अब सॉल्वेंट से, ये मेरे पास लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये मेरे पास हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है. ओके तो यहां एक नैरो ट्यूब है जिसके थ्रू मेरा सॉल्वेंट, मेरे को पता लगेगा कि हाँ सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर आ रहा है, वो पता लगेगा मेरे को. ओके बीच में रखी है हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके थ्रू मेरा सॉल्वेंट इधर से उधर हो सकता है. ओके सो नेचुरल प्रोसीजर के थ्रू क्या होगा, मेरा सॉल्वेंट यहां से यहां मूव करना चाहिए. ओके ये होता भी एक्चुअल में. अगर यहां से यहां सॉल्वेंट मूव करेगा तो डेफिनेटली इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करने वाला है. ओके और दूसरी बात, जब सॉल्वेंट यहां से यहां मूव करेगा तो ये डाउन भी जाएगा, जो नैरो ट्यूब है उसमें इजीली मेरे को लेवल का पता लग जाएगा. ओके अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो ये प्रेशर पता करना है जिस प्रेशर से ये सॉल्वेंट इधर से इधर एंटर कर रहा है. ओके तो इट मींस यहां से यहां इधर प्रेशर लग रहा है जिसके कारण पिस्टन के ऊपर पुश लग रहा है ऊपर की तरफ. ओके अब अगर मेरे को यहां से यहां सॉल्वेंट की मूवमेंट रोकनी है तो इट मींस प्रेशर पिस्टन के ऊपर उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा जितने प्रेशर से सॉल्वेंट इधर से इधर आ रहा है. ओके और अगर इस पिस्टन के ऊपर लगा हुआ प्रेशर, कौन सा प्रेशर, ऐसा प्रेशर, इतना प्रेशर जिसके ऊपर मेरे पास सिस्टम के अंदर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, और वो कहां से चेक होगा, वो चेक होगा इस लेवल से. अगर ये लेवल कॉन्स्टेंट हो गया इट मींस क्या है, मेरा सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट सॉल्यूशन की तरफ बंद होगी. ओके तो ये सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जितना प्रेशर सॉल्वेंट आ रहा है मैंने उतना ही प्रेशर यहां पिस्टन पे लगा दिया. ओके तो इससे क्या हुआ, क्योंकि इक्वल इधर जो प्रेशर लगाया है वो इस प्रेशर के इक्वल हो गया. ओके तो इस प्रेशर के इक्वल अगर हो गया इट मींस क्या है कि मेरे को यह पता लग जाएगा कि कितना ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कैसे पता लगेगा, जितना पिस्टन पे मैंने प्रेशर लगाया है उतना ही प्रेशर जब सॉल्वेंट का फ्लो स्टॉप हो गया वो प्रेशर क्या होगा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है. ओके तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर That has to be applied on the solution to prevent the entry of solvent into the solution through the semi-permeable membrane from the solvent side to solution side. This is called osmotic pressure. Okay. एक चीज आपने घरों में देखा भी होगा, RO सुना होगा आपने, reverse osmosis बोलते हैं उसको. ओके वो कैसे काम करता है, जब भी आप ये चेक करते हो कि आपका पानी साफ कैसे हो रहा है. ओके तो वो भी आरओ जो है रिवर्स ऑस्मोसिस इसी प्रिंसिपल को रिवर्स कर दिया जाता है. मींस यहां तक जब मैंने प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर अप्लाई किया तो वो वाटर यहां से यहां आना स्टॉप हो गया. स्टार्टिंग में क्या था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड वाटर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है. अब मैंने इधर प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ कि वही वाटर जो स्टॉप हो गया जब ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर अप्लाई हुआ. ओके और अगर मान लो मैं क्या करता हूं कि इस पिस्टन के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल्स, क्योंकि देखो सॉल्यूट को तो पास ही नहीं होने देगी, तो सॉल्यूशन से सॉल्यूट पार्टिकल इधर से इधर एंटर होना शुरू हो जाएंगे. और इधर से इधर एंटर शुरू होना, नॉर्मल ऑस्मोसिस कहां से कहां तक होता है, इधर से इधर. Means, अगर इसको ए एज्यूम करता हूं, इसको बी एज्यूम करता हूं मैं, तो ए से बी की तरफ होता है नॉर्मल. ओके और अगर मान लो प्रेशर हाई अप्लाई किया तो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर जाना शुरू हो गए, मींस बी टू ए जाना शुरू हो गए. दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. और जो आपके घर में आरओ होता है वो इसी प्रोसेस पे काम करता है. ओके जो आपके पास डीसलाइनेशन ऑफ वॉटर, मीन्स जो आपके पास सलाइन वॉटर से, नमकीन पानी से
या ज्यादा टीडीएस वाले पानी से जो प्योर पानी निकालते हो वो कैसे निकालते हो, वो इसी तरह से निकालते हो। दिस इज रिवर्स ओस्मोसिस, मीन्स ओस्मोसिस का उल्टा। इसके बाद आती है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जिससे हम क्या मेजर करते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, वो है बर्कले हार्टले, जो मैंने पहले पेपेटस से बात की थी। ओके, तो इसके अंदर क्या है, देखिए आप बीच में सॉल्वेंट है, बाहर सॉल्यूशन है। ओके, तो इट मींस क्या है कि सॉल्वेंट पार्ट जो बीच वाला है वहां से नॉर्मल ओस्मोसिस कैसे होगा, वो इधर से इधर होगा, मीन सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आपके पास सॉल्वेंट जाने वाला है। ओके, ये आउटर कंपार्टमेंट है, ये इनर कंपार्टमेंट है। ओके, और यहां से हम लेवल मेजर करते हैं कि मीन्स आपका लेवल क्या रहेगा, वो चीज मेजर करते हैं। ओके, सो अब क्या होगा, नॉर्मल वे में यहां से बाहर की तरफ क्या निकलेगा, सॉल्वेंट निकलेगा। मैंने उसी तरह आउटर कंपार्टमेंट पे एक पिस्टन फिट किया हुआ है और पिस्टन के अंदर प्रेशर गोज लगाया हुआ है, मींस जो प्रेशर मैं यहां लगाऊंगा वो इस सॉल्यूशन के ऊपर रहेगा और वो ये प्रेशर गोज मेजर करेगा, इट मींस मेरे को वो प्रेशर पता लग जाएगा। ओके, सो नॉर्मल वे में सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बाहर की तरफ जाएगा। ओके, तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, सॉल्वेंट निकला इधर से इधर, अब क्या हुआ, मैंने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, इसने वैल्यू दी, प्रेशर गोज ने वैल्यू दी उसकी। ओके, सो अब क्या होगा, मैं बढ़ाता जाऊंगा, एक लिमिट ऐसा आएगा जिसके ऊपर ये लेवल कांस्टेंट हो जाएगा, मींस एम लेवल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और एम लेवल जिस टाइम कांस्टेंट हो जाएगा इट मींस मैंने उतना ही प्रेशर अप्लाई कर दिया है जिस प्रेशर से सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ आ रहे हैं। ओके, तो अगर वो प्रेशर अप्लाई कर दिया और मेजरमेंट के लिए मैंने प्रेशर को साइड में लगा रखा है, तो ये क्या करेगा, ये प्रेशर बता देगा, इट मींस ये प्रेशर मेरे को पता लग गया, और ये प्रेशर अगर पता लग गया इट मींस क्या होगा, वही प्रेशर मेरा ओस्मोटिक प्रेशर है। और अगर उस ओस्मोटिक प्रेशर से मैं थोड़ा सा भी ऊपर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसमें एम का लेवल ऊपर होना शुरू हो जाएगा, और एम का लेवल अगर ऊपर होना शुरू हो गया इट मींस मैं ज्यादा अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को कम करना पड़ेगा वो ऑटोमेटिकली। ओके, तो वहां से मैं इक्वल एंड ओपोजिट प्रेशर लगा रहा हूं। ओके, तो इस तरह से मैं ओस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकता हूं। ओके, पर और इसमें फायदा थोड़ा सा एक ये है कि जो आपके पास इधर से इधर प्रेशर लग रहा है, इधर से इधर प्रेशर लग रहा है, उससे ये स्ट्रेन में नहीं आती, सेंट्रल मेम्ब्रेन जो वो स्ट्रेन में नहीं आती। रीजन क्या है, इधर जो प्रेशर लग उतना ही प्रेशर इधर लग रहा है, इट मीन बोथ साइड भी प्रेशर इक्वल है, और बोथ साइड प्रेशर अगर इक्वल है तो इट मीन इसके ऊपर स्ट्रेन नहीं आएगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिससे इसके फटने की संभावना, क्रैक होने की संभावना कम से कम रहेगी। अब बर्कले हार्टले मेथड के बाद हम बात कर लेते हैं कि ओस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। ओके, तो मेरे को पता है, मैं रिप्रेजेंट करता हूं ओस्मोटिक प्रेशर को पाई से। ओके, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन के, मींस कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना नो डाउट मेरा जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा होगा। ओके, सेकेंड थिंग, मेरा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो है टेम्परेचर के। ओके, और अगर इन दोनों कंबाइन कर देता हूं इट मींस पाई या ओस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी हो जाएगा मेरे पास। और अगर इसी को मैं ओपन कर दूं तो पाई इक्वल टू आर सी टी, आर क्या है, कॉन्स्टेंट है मेरे पास, पाई इक्वल टू सी आर टी। ओके, कंसेंट्रेशन की अगर बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी जगह मैं रख सकता हूं पाई इक्वल टू एन बाय वी आर टी, क्योंकि कंसेंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको इधर ले जाऊं पाई वी इक्वल टू एनआरटी, ये उसी तरह की इक्वेशन बन गई जैसे आपके पास गैस इक्वेशन बनी थी पीवी इक्वल टू एनआरटी, लगभग उसी तरह की इक्वेशन बन जाती है। ओके, तो ये हमारे पास है ओस्मोटिक प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस वन इज कॉल्ड
वैंडहोफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, एक छोटा टॉपिक और डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों मैं आपसे, वो क्या है कि ओस्मोसिस की बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस क्या है इस ओस्मोसिस के लिए। ओके, तो बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस जो हमारे पास है वो क्या है कि आपके पास प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं सोइल से वाटर, वो सारा का सारा क्या होता है, ऑस्मोसिस से होता है। ओके, उसके बाद एनिमल्स जो है वाटर को मूव करते हैं वो कैसे करते हैं, ऑस्मोसिस से। स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स, लीव्स अगर मान लो किसी मींस उसको लीफ स्ट्रेच करे हुए होते हैं आपके, तो किस कारण से, ऑस्मोसिस के कारण होते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होती है, ऑस्मोसिस के कारण होती है। ओके, डिफरेंट मूवमेंट्स होती है प्लांट्स की, वो ऑस्मोसिस से कंट्रोल होती है। अगर मान लो आपके पास पानी ज्यादा एंटर कर जाए आरबीसीज के अंदर तो बस्ट कर जाती है, वो क्या होती है, क्योंकि आपके पास वो ऑस्मोसिस के अंदर एंडोस्मोसिस हुआ जिससे वो स्प्रेड होगी, और स्प्रेड होने के बाद क्या हुआ, क्या पाओ, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होती, वीक होती है, तो इस कारण ये भी कह सकते हैं। ओके, और एक चीज और है कि अगर मान लो हम ह्यूमन आरबीसी को, जो ह्यूमन आरबीसी है, अगर आरबीसी को हम 0.9% एनएसीएल सॉल्यूशन में रखें, प्योर एनएसीएल सॉल्यूशन में रखें, तो उसमें ना तो आरबीसी एक्सपेंड होती है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट होती है। इट मींस जो आरबीसी के अंदर, आरबीसी जो रिंग टाइप होती है इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसकी कंसंट्रेशन या उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% NaCl के इक्वल होता है, क्योंकि अगर इससे कम ज्यादा होता तो या तो सॉल्यूशन बाहर निकलता या अंदर जाता। इट मींस जो 0.9% NaCl इज आइसोटोनिक, किसके आइसोटोनिक, जो आरबीसी के अंदर फ्लूइड पड़ा है। ओके, सो आपके पास अगर 0.9% से कम लेंगे हम तो बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, 0.9% से कम लिया तो हाइपोटोनिक बाहर है, इट मींस अंदर की तरफ सॉल्यूशन एंटर करेगा और आरबीसी स्वेल होती चली जाएगी, और स्वेल होगी तो क्या होगा, बस्ट कर सकती है। इसी तरह से अगर 0.9% कंसंट्रेशन NaCl से ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे आप तो उस केस में क्या होगा, आपका आरबीसी श्रिंक कर जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा उसका। ओके, उसके बाद बहुत सारे और फिनोमिनाज हैं, जैसे आपके पास रो मैंगो जो होते हैं वो अचार में जाके क्या हो जाते हैं, पिकल में जाके क्या हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, जो आपके मुरझाए हुए फूल होते हैं, विल्टेड फ्लावर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि फ्रेश वाटर में जाने के बाद दोबारा खिल जाते हैं, उतना ही वो एक्सपेंड कर जाते हैं। ओके, जो पतली जो सिकुड़ी हुई या कॉन्ट्रैक्टेड लिम्प्ड कैरेट्स बोलते हैं जिनको हम, वो क्या करती हैं, वो वाटर में जाके दोबारा एक्सपेंड हो जाती हैं। ओके, इसी तरह से जो आपके पास मीट को प्रिजर्व करते सॉल्ट लगा देते हैं उसके, ठीक है, और फ्रूट्स को शुगर डाल के हम क्या करते हैं, हम उसको प्रिजर्व करते हैं। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशनल पार्ट ऑफ ऑस्मोसिस। नाउ द मेन अटेम्प्ट जो हम करने, जो हमने करना पहले ही बात हुई थी हमारी, कि इससे हम मोलिकुलर मास कैसे डिटरमिन करें, मेन तो मोटो हमारा यही है। ओके, तो अब एक फॉर्मूला मैंने ऑस्मोसिस के लिए बनाया था अभी, पाई वी इक्वल टू एन आर टी। ओके, तो एन आर टी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सोल्यूट के हैं ये। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पाई वी इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स ये है मेरे पास। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, और गिवन मास इंटू मोलर मास इंटू आर टी, ये हो गया मेरे पास।
इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, एमबी को सेट पे ले जाता हूं, एमबी इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी ओवर पाई वी। ओके, तो ये चीज मेरे पास हो जाती है। अब ये होने के बाद क्या होगा मेरे पास, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट, जिसका जो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मेजर करने के लिए बनाया है उसका मेरे को पता है, आर कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, पाई क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, बर्कले हार्टली से मेजर कर सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो बनाया है वो भी मेरे को पता है कि मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। इट मीन्स क्या है कि मैं एमबी की वैल्यू को डिटरमिन कर सकता हूं। सो दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ एनी अननोन सोल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, उसके बाद अब ये क्या है मेरे पास, मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन्स के लिए, पॉलीमर्स के मोलिकुलर मास डिटरमिन करने के लिए, और दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसको भी हम, उसके मोलिकुलर मास को डिटरमिन करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि मेरे पास ये फॉर्मूला बना पाई वी इक्वल टू एन आर टी, इसे कैसे पता लगता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख लूं और V वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कर लूं, R तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, पाई इक्वल टू एन आर टी ओवर V, अब ये सारी टर्म कॉन्स्टेंट हो जाती है, इट मीन्स पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। इट मीन्स मैं इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकता हूं। ओके, इसी तरह से अगर मान लो जो पहले वाला पार्ट है उसको भी आप प्रूव कर सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी था मेरे पास, एक्स बी जो आपके पास है वो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है वो, और नंबर ऑफ, इट मींस क्या है कि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ओके, और वी कैन से दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर सकती है, और डिपेंड करेगी तो इट मींस क्या होगा कि दिस इज ऑल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें अभी तक हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किए, वो कौन कौन सी है, फर्स्ट जो हमारे पास है वो है अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड जो डिस्कस की है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, और थर्ड और फोर्थ जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम जो हमने किया है उसका स्नैपशॉट ले लेते हैं जिससे हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मूविंग वीडियो के अंदर कई बार टेक्स्ट दिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को हम अवॉइड कुछ हद तक कर सकते हैं, तो इसलिए ये स्नैपशॉट हम रख रहे हैं लास्ट में। ओके, थैंक्स।